अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, प्रीति पटेल की जानिब से बहुत ही अहम खबर आई है, जो कि प्रीति पटेल मुख्तलिफ ममालिक के साथ नए मुआहदे करने जा रही हैं। ये मुआहदे किस हवाले से हैं वो आज आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, और इसके अलावा चंद अहम तरीन अपडेट्स आई हैं जो कि इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से और अमनेस्टी के हवाले से, जो कि होम सेक्रेटरी ने खबरदार कर दिया है और ऐलान जारी किया गया है इस हवाले से। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तफसील से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बरवक्त पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की जानेब। तो फ्रेंड, यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल जो कि नए मुआहदे करने जा रही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, तो इस हवाले से उन्होंने अब ये कहा है कि अगर ऐसे ममालिक जो हमारे साथ मुआहदा नहीं करेंगे, और ये मुआहदा ख़ास करके असाइलम सीकर जो कि फेल्ड असाइलम सीकर और क्रिमिनल इमिग्रेंट से मुतलिक है, यानी कि अगर वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तारकीन वतन ज़्यादातर दूसरे यूरोपीय ममालिक से ही यूके में आते हैं, तो अगर इन यूरोपीय ममालिक से इन तारकीन वतन को लेने से इनकार उन्होंने किया, तो फिर ऐसी सूरत हाल में यूके में मौजूद उन यूरोपीय ममालिक के शहरियों के वीज़े कैंसिल यानी कि ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो प्रीति पटेल की तरफ से अब इस तरह का नया बयान देखने को और सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेल्जियम और फ्रांस से इंग्लिश चैनल को बूर करके आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को इन दोनों ममालिक ने वापस लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ब्रेग्जिट हो जाने की वजह से अब डबलिन एग्रीमेंट महाजरीन को वापस लेने का ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद अब यूके यूरोप के साथ किए गए मुआहदों का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तो फ्रेंड, अब इस तरह की सारी सूरत हाल को देखते हुए प्रीति पटेल की तरफ से इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जो कि इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा हालात नाजुक नज़र आ रहे हैं यूके में, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे भी किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, इनके साथ मुआहदे किए जाएंगे। और अब ये मामला किस हद तक बढ़ता है और किस हद तक ये मुआहदे पास होते हैं इन मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो ये अब आने वाले टाइम पीरियड में मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये निकल कर सामने आई है कि प्रीति पटेल ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे करने के हवाले से पेशकश कर दी है, और ये ज़्यादा किस वजह से किया गया है, इस वजह से किया गया है क्योंकि काफ़ी क्रिमिनल इमिग्रेंट्स जो के हैं यूके में मौजूद हैं, जो के यूरोप से आते हैं और दीगर ऐसे ममालिक हैं जो के यूरोप में पहले पहुंचते हैं और फिर यूरोप में पहुंचने के बाद इंग्लिश चैनल को बूर करके यूके में एंटर होते हैं, तो इनको रोकने के लिए अब मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे किए जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो कि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक हैं इनके साथ किए जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड, पहले ये होता था कि ब्रेग्जिट के से पहले तो यह था कि अगर कोई यूरोपीय बाशिंदा, अगर कोई क्रिमिनल्स वगैरह इमिग्रेंट यूके में आ जाता था, तो उस टाइम डबलिन प्रोसेस था, तो उस टाइम यूके की गवर्नमेंट इनको डिपोर्ट कर देती थी इन यूरोपियन ममालिक में जहां से ये आए होते थे। लेकिन अब इस तरह का प्रोसेस जो उनका डबलिन एग्रीमेंट है यह अब खत्म हो चुका है, तो इसमें अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूके की गवर्नमेंट को। तो अब इस तरह के मुआहदे निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी की जानिब से ऐसे मुआहदों के हवाले से कहा जा रहा है और जिन पर पेशकश की गई है, और इन पर अमल दरामद का सिलसिला अब कब तक शुरू होता है ये अब आने वाले टाइम पीरियड में मालूम आप लोगों को हो जाएगा। जैसे ही इस हवाले से कोई और नई अपडेट आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, इसके अलावा दूसरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल जो इमिग्रेशन कवानीन को लागू करने के बारे में सोच रही हैं। तो इस हवाले से यूके अमनेस्टी और जो रिफ्यूजी एजेंसी हैं उन्होंने यूके की गवर्नमेंट और होम सेक्रेटरी को ख़बरदार करते हुए ऐलान जारी किया है कि अगर कोई ऐसे कानून को लागू किया गया जो कि अक़वामे मुत्तहदा के मुताबिक नहीं होगा, तो वो फिर इस जानिब से अदालत में जाएंगे। और उनकी तरफ से मज़ीद कहना था कि ये किसी भी तौर पर
कबूल नहीं किया जा सकता कि यूके ऐसे कवानीन या रूल्स को बनाए जिससे असाइलम सीकर्स की और जो पनाह गज़ीनों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो, क्योंकि इनकी तरफ से ये कहना था कि ये कैसे कहा जा सकता है कि जो भी लोग सेफ ममालिक से आते हैं उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसके अलावा इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर मजीद यूके होम सेक्रेटरी कोई और सख्त कवानीन या कोई और भी इनसे मुतलिक रूल्स को लेकर आएंगी या आती हैं तो फिर वो लाजमी तौर पर अदालत और कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान जारी किया गया है इस बड़े अदारे की जानिब से, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में बहुत बड़ा बयान अभी तक का निकल कर सामने आया है, जिसमें इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के कवानीन, और जैसा कि आपको मालूम है कि एहतजाज भी हो रहा है प्रीति पटेल के कवानीन के हवाले से, तो इसमें अब इस बड़े अदारे ने आवाज़ बुलंद की है। ऐसा कि आपको मालूम है कि प्रीति पटेल पर ऑलरेडी यूके में काफ़ी ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुकी हैं, तो अब ऐसे कवानीन ये तैयार कर रही हैं जिनमें अदालत भी इनका साथ नहीं देगी। तो ऐसे अदारे की जानिब से अब ये कहा गया है कि ये अदालत का रुख करेंगे, कोई ऐसा कानून अगर पास किया गया या बनाया गया प्रीति पटेल की जानिब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कवानीन तैयार किए जा रहे हैं जिनमें पनाह गज़ीनों की ज़िंदगियों को काफ़ी ज़्यादा खतरात लाहक हो रहे हैं, इनके लिए ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, ऐसे कवानीन तैयार किए जा रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए। तो इस हवाले से अब इस रिफ्यूजी एजेंसी, इस अदारे ने काफ़ी हुकूमत को और प्रीति पटेल को क्रिटिसाइज़ किया है, इनकी जानिब से तनकीद की गई है कि अब ऐसा अगर कोई और कानून या नया कोई रूल्स लाया गया तो अदालत का रुख करके इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हम ऐसी आवाज़ बुलंद करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अक्वामे मुत्तहदा का साथ भी हम लें ताकि आलमी तौर पर ऐसे कवानीन को रोका जा सके जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो फ्रेंड, इस जानिब से अब इस अदारे की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगियाँ यहाँ पर यूके में गुजर चुकी हैं और जो अपनी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पर यूके में गुजार चुके हैं, तो हमें ऐसे कवानीन की बजाय हमें इनको लीगल स्टेटस देना चाहिए, यानी कि हमें एमनेस्टी की तरफ आना चाहिए ताकि ऐसे तमाम तर इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि कब से राह देख रहे हैं उनको एमनेस्टी दी जाए और उनको तमाम तर हकूक दिए जाएं जो कि उनके बुनियादी हकूक हैं और उनका हक बनता है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और यूके का लॉ भी यही कहता है कि इनको बुनियादी हकूक दिए जाएँ, इनको लीगल स्टेटस दिया जाए। तो फ्रेंड, ये थी चंद अहम तरीन अपडेट्स जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वह ज़रूर हमें कमेंट करके भी पूछ सकता है, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।